नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा घास लेकर आया हूं जो सोना से ज़्यादा कीमती है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। दोस्तों, यह घास नहीं, एक तरह से अमृत है उन लोगों के लिए जो इसे चाहते हैं, खोजते हैं, जो अपने बीमारी में इसका उपयोग करना चाहते हैं। ये ऐसा जड़ी बूटी है कि आपको क्या बताएं, समझ लो तो रामबाण है पेट के समस्त बीमारियों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं इसी के फायदे और पहचान के बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस जड़ी बूटी को कायदे से ठीक से पहचान लीजिए, ताकि अगर आप इसे खोजें तो अच्छे से खोज सके, पहचान सके और अपने बीमारी में इसका उपयोग कर सके। तो दोस्तों, देख लीजिए, मैं इसे तोड़कर अपने हाथों में इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैंने एक एक पेड़ एक एक जगह से इसे तोड़ तोड़ कर जमा किया है। दोस्तों, यह भारतवर्ष में पानी की जगह पे हर जगह उत्पन्न हो जाता है, बरसात के मौसम में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसकी ऊंचाई करीबन 1 फुट से लेकर 4 फुट तक पाया जाता है। इस घास में दो दो पत्तों का एक एक समूह होता है, देख लीजिए, और दो पत्तों के बीच में एक गांठ होता है, वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये गांठ है और पत्ता भी आप देख रहे हैं कैमरा में, ठीक से पहचान लीजिए ताकि आपको कभी ज़रूरत हो तो आप इसे खोजें और पहचान लें। और हाँ दोस्तों, दुधिया घास इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे तोड़ने के बाद इसके अंदर से दूध निकलता है। ये देखो, मैंने अभी तोड़ा और तोड़ने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, इसके अंदर से दूध निकल रहा है जो आप देख सकते हैं, सामने आपके है। और आप इसके जड़ों को भी देख लीजिए, इस तरह से जड़ होता है, ये देखिए, पहचान लीजिए। और इसका पूरा साइज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पत्ते को देखकर दुधिया घास, नागार्जुन, दुधीरा, दुधुआ, बहुत सारे नामों से अलग अलग भाषाओं में इसे जाना जाता है, तो आप शायद इसे अब पहचान चुके होंगे। तो अब मैं इसके फायदे के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसे घास नहीं, मैं अमृत समझता हूँ क्योंकि यह अनेकों बीमारी में उपयोगी है। यह औषधि एक ऐसा औषधि है जो पेट के समस्त बीमारियों को जड़ से ठीक कर देता है। दोस्तों, अगर किसी भाई को कुछ खाते ही पेट में दर्द होने लगता है, और बहुत से ऐसे रोगी हैं जो खाना खाते ही पेट में दर्द की शिकायत करते हैं और बार बार सोच जाते हैं, कुछ भी खाते हैं सोच जाते हैं, कुछ भी खाते हैं सोच जाते हैं, वह इतना डरते हैं कि डर के मारे खाना तक नहीं खाते हैं, और खाते हैं तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, जब खाते हैं तब सोच करने जाते हैं, वह बेचारे बहुत परेशान होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं। उनको ये पता नहीं कि उनके बीमारी का नाम संग्रहणी है। उनके आंतों के अंदर सूजन रहता है, एसिडिटी रहता है, जिसके वजह से वह कुछ भी खाता है तो उसे तुरंत सोच जाना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 3-4 बार सोच जाते हैं, तो उनके लिए यह रामबाण औषधि है। अब मैं इसका प्रयोग आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे रोगी के लिए करीबन 20 से 25 पत्ता उसे रोज सुबह खाली पेट चबाना है, और चबाने के बाद 1 गिलास पानी पीना है, तो समझ लो 7 दिन यह उपाय करने से उसके पेट का बीमारी नष्ट हो जाएगा, वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, बवासीर, बकंदर और अतिसार वाले भी इसके हरे हरे पत्तों का 20 ग्राम रस पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम 2 टाइम पीना है। और दोस्तों, जिनको धातु रोग है, पेशाब के रास्ते से धात गिरता है, चलते फिरते कमजोरी सताता है, चक्कर आता है, भूख नहीं लगता है, खाना हजम नहीं होता है, दिन ब दिन वह सूखता चला जा रहा है, उसके हड्डी के अंदर बुखार रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो दोस्तों, ऐसे रोगियों के लिए हरा हरा इस नागार्जुन दुधिया घास का रस करीबन 25 से 30 ग्राम तक रोज सुबह सुबह खाली पेट पीना है, तो उसका समस्त पेट के बीमारी, धात के बीमारी, कब्ज के बीमारी, गैस की बीमारी, यहाँ तक कि दोस्तों, अगर किसी को पीलिया हो गया है, पीलिया की वजह से आंखें पीला पीला है, हाथों की उंगली में नाखून पीला पीला है, और आँख शरीर का खून सूखने लगा है, तो ऐसे रोगी भी इसका करीबन 20 से 25 ग्राम रोज सुबह खाली पेट सेवन कर सकता है।
और दोस्तों अगर किसी स्त्री माता बहनों को लिकोरिया का शिकायत है तो वह भी इसका 20 ग्राम तक रस सुबह खाली पेट पी सकता है। दोस्तों स्वाद के लिए जिन जिन भाइयों बहनों को इस्तेमाल करना है वह स्वाद के लिए इसमें मिश्री मिला ले। मिश्री एक बड़ा शक्कर होता है, बड़ा चीनी होता है। पंसारी की दुकान में या राशन की दुकान में, किराना स्टोर में जाकर आप मांगेंगे कि मिश्री दीजिए तो आपको मिश्री देगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको यह हरा हरा नहीं मिल सकता है, हरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर इस तरह आपको हरा नहीं मिल रहा है तो हरा हरा घास आप तोड़कर उखाड़कर उसे साफ करके उसे ठंडा में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर आप डब्बे में रख लीजिए। और पाउडर का मात्रा कितना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने जितना भी बीमारी आपको बताया है सभी बीमारी में हरा हरा रस जो है 20 से 25 ग्राम है, लेकिन अगर इसे पाउडर आप बनाते हैं तो पाउडर का मात्रा होगा करीबन 1 चम्मच या फिर रोग के अनुसार 2 चम्मच। अलग अलग शरीर में अलग अलग मात्रा तय किया जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी बस इतनी ही थी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल पहाड़ी आयुर्वेदिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।